तो हे गाइस, मैं हूँ के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स की जो पीएम किसान के रिगार्डिंग जो भी केवाईसी है। फ्रेंड, अभी तक बहुत सारे किसान जो हैं जो कि अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाए हैं फ्रेंड्स, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से जो है कि अपना पीएम किसान का केवाईसी करवा सकते हैं फ्रेंड्स इजीली तरीके से। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप ओटीपी के माध्यम से कैसे केवाईसी करवा सकते हैं, और आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आप सीएससी के थ्रू जो है कि फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है मोर्फो या मंत्रा के थ्रू जो है आप अपना फिंगर ऐड करके भी अपना जो पीएम केवाईसी 2023 में करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पीएम केवाईसी जो बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, पीएम केवाईसी हमेशा चलते रहेगा। लेकिन जो है जो किसान पीएम केवाईसी करवाएगा, केवाईसी कंप्लीट करवाएगा, उसी के खाता पे जो है कि आपका अमाउंट आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रेंड जब तक आप पीएम किसान के अंदर केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे फर्जी लोग थे जिन्होंने अपना पीएम किसान के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है आज के डेट में केवाईसी करवा रही है, जिससे कि उनका आइडेंटिफिकेशन का पता चल सके, ठीक है, उनकी पूरी डिटेलिंग, उनका पूरा एड्रेस, उनका नाम, उनका एज सब कुछ पता चले, जिससे कि गवर्नमेंट जो है अपने पीएम किसान के जो सर्विसेज है उसको अच्छे से सुधार में ला सके, ठीक है। इसी के लिए केवाईसी किया जा रहा है फ्रेंड, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है कि आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर के थ्रू जो आप एनपीसीआई लिंक के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा सेंड किया जाता है डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू, ठीक है। तो इसी चीज को आपको सब कुछ समझना है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी टाइप के इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है पीएम किसान करके। जैसे सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक जो आएगा आप देख सकते हैं पीएम किसान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियोज में हम लोग जो आपका सीएससी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड आप टॉप कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सीएससी लॉग इन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेज ओपन नहीं हो रहा है फ्रेंड कुछ किसी कारण से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पर इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो है कि सीएससी आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आएगा और कैप्चा। तो आप अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आप सिंपली तरीके से लॉग इन हो जाएंगे। जैसे आप लॉग इन हो गए फ्रेंड, आपका सीएससी पोर्टल इस तरीके से दिखाई देगा फ्रेंड। आप यहाँ पर सीएससी लॉग इन पर क्लिक करके आप पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। इसके बाद का जो स्टेप है फ्रेंड, सीएससी में इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पर आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन है, एडिट फार्मर डिटेल्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वेलकम सीएससी यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, आपके पास आ जाएगा यहाँ पास बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी, देख सकते हैं। ऑल सीएससी सेंटर शुड अपग्रेड योर आरटी सर्विसेज टू द लेटेस्ट वर्जन एंड क्लियर केस, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को मैं हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी रीजन क्या है। यहाँ पास आपको फ्रेंड जो यहाँ पास कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप फिल करेंगे, और यहाँ पास फ्रेंड जो है कि आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर उतना मैटर नहीं करता है, यहाँ पर यहाँ बोला जरूर गया है, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपका ई केवाईसी होना है वो आपका बायोमेट्रिक के थ्रू होना है, आधार बेस्ड जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू नहीं होना है। वो जो फर्स्ट वीडियो बताया था मैंने आधार ओटीपी के थ्रू, उसमें जो आधार में जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वही आपका उसी पे ओटीपी आएगा, उसी के थ्रू वेरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन इस पे मैटर नहीं है। आप जो यहाँ पर नंबर डालेंगे वो पीएम किसान की वेबसाइट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ओटीपी में आपका जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इस पे ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी ले लेना है, लेकिन जो आपका केवाईसी होगा वो आपके फिंगरप्रिंट से ही होगा। तो आपको फ्रेंड यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि जो मोबाइल नंबर जो जो आप मोबाइल नंबर यहाँ ऐड करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि ओटीपी आ जाएगा, ठीक है, ओटीपी आ जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड आप सिंपली तरीके से यहाँ पर ओटीपी फिल कर दीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा, उसको आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। और फिल करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड सबमिट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड कैप्चर फॉर ई केवाईसी, ठीक है, कैप्चर फॉर ई केवाईसी पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला पे आप ना करें। यहाँ पर देखिए कैप्चर फॉर ई केवाईसी बाई मोर्फो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर फॉर ई केवाईसी मंत्रा, आपके पास जो भी डिवाइस है, आर्केटेक का भी है, आर्कटेक का भी है आपके पास, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपका डिवाइस होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपका जो
फिंगरप्रिंट डिवाइस है उस पे रेड लाइट आ जाएगा। आप उस जो भी कस्टमर है उसका अंगूठा अटैच करवाइएगा। अटैच करवाने के बाद फ्रेंड कुछ ही सेकंड में देखिए आपका जो है कि सीएससी के थ्रू जो 5 रुपए का चार्ज होता है वो लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, वो चार्ज जब आप सीएससी के थ्रू आपका सीएससी वैलेट से जो कि कट जाएगा, सीएससी वैलेट में आपको सीएससी आईडी पासवर्ड और अपना वैलेट पिन डालने के बाद आपको जो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे आप, यहाँ पर सिंपली तरीके से आपका जो केवाईसी हो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप फिर से इस ऑप्शन पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड आपको आना है यहाँ पर फ्रेंड सेकंड वाले ऑप्शन पे। तो जैसे फ्रेंड आप आधार नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे और कैप्चा फिल करके आप कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद जैसे ही चेक करेंगे फ्रेंड तो आपका जो है यहाँ पर केवाईसी डन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि फ्रेंड आप सिंपली तरीके से जो है कि अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सीएससी के थ्रू। ठीक है, याद रखिए सीएससी के थ्रू होगा, जिसपे कि सीएससी का 5 रुपये चार्ज लगेगा। उसके बाद आप कस्टमर से जितना चार्ज चाहे उतना ले सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।